मैं आपको सीनरी दिखा देता हूँ, यह सिर्फ ग्लेशियर ही है, यहाँ कोई आपको नहीं। इससे नर्मदा मोर का चेहरा भी दिखाई देगा, ग्लेशियर हर तरफ ग्लेशियर है, यहाँ कहीं भी घुमा के देख लो आप, बर्फीले पड़ रात को यहाँ कोई रास्ता नहीं रहता। जड़ में मोर, हम जड़ में पहुँच गए, हम 5 किलोमीटर तक पहुँच गए लांगरिया से, बोला जाए तो हम पैरों में पहुँच गए। अब यहाँ देखिए जा रहे हैं, बुखार भी हो गया था, सुबह बुखार की प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए यहाँ ये ग्लेशियर है, पिघलती है, नदी बनती है, ये देखिए चोटियाँ, मैं आपको चोटियाँ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल आसमान को छूती हुई बर्फ जमी हुई, बादलों से काफ़ी ऊपर है, ये देख सकते हो आप। अब सुमित दोबारा अपनी किट तैयार कर, तेंजिंग हार नारवे हिलेरी क्लिंटन की तरह लग रहे हैं ये, जो पहली बार एवरेस्ट गए थे, ड्रेस वही है फोटो में आती है, जो माउंटेन ये प्रोफेशनल माउंटेनर लग रहे हैं अपनी ड्रेस से, है भी वैसे। देखिए श्रद्धालु वापस आते हुए अरदास करके और हेमकुंड पे मत्था टेक के, हम आपको रिस्क दिखा देते हैं यहाँ कितना श्रद्धालु सीढ़ियों का उपयोग भी करते हुए और पैदल चाल भी चलते हुए, यहाँ बोल रहे हैं 1200 के करीब सीढ़ियाँ हैं, देख सकते हो आप श्रद्धालु जा रहे हैं भाई रहे। यहाँ घबराते हुए गुरमीत गिल, लेकिन ओके बाय जेंटलमैन, हम बाद में मिलते हैं हेमकुंड साहिब स्नान तालाब में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वाहे गुरु।